हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी का क्या है कि ना, अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो हम सो के उठ गए जल्दी, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे मार्केट, फिर अगर मौका मिलेगा तो आसपास इधर उधर घूमेंगे भी। तो रात को काफ़ी अच्छा था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी मज़ा आया हमें, और आपको भी आया, मज़ा आया होगा देखने में। तो अभी का क्या करते हैं, चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है, कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, और थोड़ा मार्केट भी देखते हैं अब दिन में क्या सीन है मार्केट का सुबह सुबह। रात को तो आपको पता ही होता है कैसा रहता है। और मैंने आपके लिए ना एक टाइम लैप्स भी शूट किया है, तो आप वो एंजॉय करें। मसूरी आप जा रहे हो तो यार दो तीन चीजें आप ध्यान रखना कि एक तो अपना ब्रश लेकर आए, साबुन अपना लेकर आए, और हो सके तौलिया भी अपना लेके आए, और क्या कहते हैं तौलिया लेके आए अपना, तौलिया काफी डर्टी होता है। विक्की भाई और अपनी तरफ से कुछ सजेशन? विक्की भाई बाकी तो यही है। अभिषेक कुछ अपना माल ताल होना चाहिए अपना। तो फिर अभी चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे का प्लान करेंगे कि क्या करना है हमें। तो अभी चलिए कुछ खाते हैं। चाय तो हमारी आ गई है। अभी क्या है कि हमने खाने के लिए अपने आलू के पराठे कराए हैं, सुबह सुबह तो यही खाते हैं, मज़ेदार, मज़ा आएगा। माल रोड भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, अभी धूप हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम भी है, और चलिए एक बार आगे चल के देखते हैं, आसपास दिखाता हूँ मैं आपको। जितना सुंदर मसूरी रात को लगता है उससे ही ज़्यादा सुंदर सुबह लगता है, क्योंकि सुबह का क्या है कि ना सब चीज़ें दिखती है, मज़ा आता है देखने में, अच्छा लग रहा है, व्यू पॉइंट भी है सामने पहाड़, ठंडा ठंडा मौसम, हल्की हल्की धूप निकली, काफ़ी सुंदर है। भाई मसूरी में क्या है कि ना आपको स्कूटी अभी रेंट में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहते हो कि स्कूटी में घूमना है टू व्हीलर में, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से रेंट पे लेके। काफ़ी दुकानें हैं इसी रोड में, एक यहाँ है जैसे, इधर है सारा। गाड़ी में तो हम बैठ गए हैं, अभी हम सीधा जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट में, और जॉर्ज एवरेस्ट में ऐसा रहता है कि ना पीक रहता है, पीक है वो 15 से 20 मिनट की वॉकिंग होती है, हाईएस्ट पॉइंट रहता है, काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं वहाँ पे। तो सीधा चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट, 30 से 40 मिनट हमें लगेंगे पहुँचने में, तब तक आप व्यू इन्जॉय करें रास्ते में। From the start, love. How you learn? They never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Damn, still you keep it solid. Damn, put that on my mama. Damn, where you build me up, you probably add an extra karma. Damn. I hope आपको views देखने में काफी मजा आया होगा। तो ये रास्ता है जॉर्ज एवरेस्ट जाने का, तो अब बस जॉर्ज एवरेस्ट भी आने वाला है, और अब सीधा जॉर्ज एवरेस्ट चलते हैं, और फिर आपको मैं वहाँ का नजारे दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ से रास्ता आगे कट जाता है अब उसका, अपना जॉर्ज एवरेस्ट जाने का एक ऊपर है रास्ता जो सीधा जाते हैं, पहुंचने वाले हैं, नीचे पार्किंग खड़ी करेंगे, फिर ऊपर चढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। हम पार्किंग में पहुंच गए हैं, और पार्किंग का किराया है 100 रुपये, तो पर अगर आप फोर व्हीलर पे आ रहे हो तो आपका 100 रुपये लगेगा। खाने पीने की दुकान है, आप खाने पीने का भी ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पे पार्किंग है, और यहाँ से रास्ता शुरू हो जाएगा हमारा जॉर्ज एवरेस्ट। पार्किंग का 100 रुपये गाड़ी का है, 50 रुपये आपका टू व्हीलर का रहेगा। यार ऊपर जाने का ये है कि ना पहले तो जाया करते थे, अभी भी लोग दिख रहे हैं जाते हुए, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आ रहा है, ऊपर पार्किंग का कोई कह रहा है प्रॉब्लम है। तो ये पूरा जंगल का एरिया है यहाँ पे, इधर पूरा जंगल ही है। तो अभी मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर हमें शायद से चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद भी सीधी चढ़ाई है। तो अभी क्या है कि ना सिर्फ 600 मीटर बचा हुआ है, और 3 बाकी हमने कर लिया है, 2 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। यार अभी जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा,
और यहाँ पे सारा खाने पीने की दुकानें हैं। अब शुरू करते हैं अपना, थोड़ा हमने रेस्ट कर लिया है जितना टाइम लेना था, अब हमें सीधा जाना है वहाँ पे। जैसा मैंने आपको दिखाया भीड़ काफी हो रही है और बस हमें सीधा सीधा चलना है क्योंकि फिर और ज्यादा भीड़ हो जाएगी, वापस भी हमें जाना है। तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, तो चलिए। मतलब कि हर जगह कुछ ना कुछ व्यू दिख ही रहा है, बढ़िया बढ़िया, जैसे मैंने ये आपको दिखाया। और ये खुला एरिया देखो, और साथ ही साथ रास्ता देखो। पहले हमें भी ऊपर ही जाना है, लेकिन मज़ा आ रहा है, मैं व्यू दिखाता हुआ जाऊँगा क्योंकि यार व्यू बहुत सारे हैं, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो एक व्यू दिखाता हूँ सामने, तो आप भी देखो। तो ये फोटोग्राफी के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है, हमें भी मज़ा आ रहा है। बीच बीच में रुक रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपना व्यू देख रहे हैं, और शॉर्टकट लेते हुए चलेंगे ऊपर। तो यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? मतलब बढ़िया तो है लेकिन थोड़ा डेंजरस भी है, आपको ना थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि अच्छा देखिए हर साइड में ना ऐसे खाई वगैरह भी है काफी, यूं करके ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो ढूंढना मुश्किल तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। रोड भी जो है ना वो बहुत पतली पतली है, आप देख सकते हैं काफी पतली रोड है, लेकिन यही करना है आपको, तो थोड़ा बच के अपना चलना है, संभल के रहना है। और अब देखिए सीधा हमें वहाँ पहुँच थोड़ा सा रहता है, तो ऐसा है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, व्यूज दिखाता रहता हूँ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रास्ता यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से शॉर्टकट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ना शॉर्टकट लेते हैं, तो सीधा शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं। हमारा भाई शॉर्टकट लेना वर्थ इट रहा क्योंकि हम काफ़ी ऊपर पहुँच गए, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है। आइए देखिए टोटल 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद, पूरा चढ़ाई वगैरह करने के बाद, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद फाइनली अब हम पहुँच गए हैं। तो सारा का सारा वर्थ इट रहा हमारा चलना घूमना फिरना। तो व्यू तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, लोग हैं अभी, भीड़ थोड़ी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो व्यू एंजॉय करते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। अब हम सीधा निकलेंगे सामने वाले पहाड़ में, तो वो वाला पहाड़ थोड़ा बढ़िया लग रहा है और ज़्यादा। तो ये रास्ता है देखो कितना ब्यूटीफुल है, जो मेरे पीछे की साइड जो जितना बढ़िया व्यू वहाँ पे था उससे ज़्यादा व्यू यहाँ पर लग रहा है देखो ये है अभिषेक। तो अब हम ऊपर वाली जगह में चलते हैं सीधा, ऊपर आ गया हूँ और एक बार ऊपर मैं आ गया हूँ, एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वगैरह तो खींच लिया, चलें क्या अब? क्या करा जाए? अच्छा तो मतलब देखते थे भीड़ भी बढ़ गई है यहाँ पे तो काफ़ी। तो यार फोटोशूट तो यार अभी भी चल ही रहा है, मतलब कि हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराते हुए, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, तो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे यार। मतलब कि बहुत मज़ा आया, रास्ता जो है ना कि इतना मस्त था, व्यू तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे थे, और दूसरा ये था कि यार जो रास्ता था ये भी काफ़ी बड़ा था, मतलब एक्स के दिल से भी बड़ा रास्ता था। जॉर्ज एवरेस्ट बोलते हैं इसको, और ये एक जॉर्ज नाम का वो एक वो था अंग्रेज, तो उसके नाम पे बनाया गया ये। बाकी ज्यादा वो अगर एक यहाँ पे ना एक वो भी है उसका घर टाइप का था, यहाँ पे नीचे खंडर बन गया वो,
तो वो भी है, कोशिश करूँगा अगर वो दिख जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं इसके बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फोटोज़ भी क्लिक हो गई है, रील्स वगैरह भी हमारी हो गई है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ आने के लिए मतलब अच्छे से तैयार होके आएँ आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती है। आपका मन करेगा कि एक से एक बढ़ के फोटो लें, रील्स लें, तो अच्छे से तैयार होके आएँ और पानी साथ में ज़रूर रखें। तो आप चलते नीचे सीधा। और पोजीशन घटे तो ना, क्या था, पोजीशन फटे तो फटे, फटे तो फटे ना भाभी ना घटे। और अमन भाई कहाँ रह चुके हैं? अमन भाई भी आ चुके हैं। बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है यहाँ पे, चलना पड़ता है। पैर में भी थोड़ा सा क्रैम्प आ गए, क्रैम्प भाई के, क्रैम्प आ चुके हैं। मेरा बैंकर वाला हो गया, बहुत ज्यादा हो गया भाई। बहुत वो वाला रास्ता जो है ना, यहाँ से ऐसे 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 करके, वहाँ से घूम के करके फिर यहाँ तक जाएगा, लेकिन हम वहाँ से सीधा आ गए हैं। ये पहुँच गए जैसे तैसे, मतलब आराम आराम से पहुँचे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमें थोड़ा कदम फूक फूक के चल रहे हैं हम। तो ये है, चलते हैं सीधा नीचे पहुँचते हैं। तो ये वाला जो है, ये है जॉर्ज का घर, तो यहाँ पर था उसका, और वो भी है सामने, तो लेकिन अभी कोई रहता नहीं है यहाँ पे। वापस हम पहुँच गए वही ग्राउंड पे, हेलीपैड है ये लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो बस अब नीचे चलते हैं सीधा। मैं आपसे गाड़ी में जाके मिलता हूँ। मैम आ गए, गाड़ी भी हमने अपनी उठा लिया है, अब हम सीधा चल रहे हैं ऊपर। जो ऐसी मेन कुछ जाएंगे, थोड़ा लाइट खाएंगे यार अपना, दाल चावल वगैरह बढ़िया सा। तो चलते हैं कुछ खाने पीने। खाना हमारा आ चुका है अभी, और कढ़ी चावल भी हो गए हमारे, और बस सब थक चुके हैं सारे। अब सीधा सीधा करेंगे, सीधा निकलेंगे घर की तरफ। तो सीधा मैं आपसे मिलता हूँ घर पे। विक्की को पहले छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम दोनों, बाकी तो अमन तो ऋषिकेश जाएगा। विक्की भाई, ठीक है विक्की भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में, है ठीक है भाई? ओके भाई, बाय, मजा आया। ओके ब्रो, कैसा रहा ट्रिप? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया है। तो मसूरी भी हो गया, जॉर्ज एवरेस्ट भी हो गया दोनों। तो बस फिर आप चलते हैं, मैं भी निकलूंगा, मिलूंगा किसी बढ़िया ट्रिप में। मिला जाएगा, गोवा की, गोवा का प्लान बनाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है फिर, ओके अपन बाय, मिलते हैं फिर। अब मैं वापस अपने घर आ गया हूँ, और ऐसा सीन था, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए मैंने, तो काफ़ी बढ़िया सीन था। मसूरी का, मसूरी गए, फिर उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट गए, तो जॉर्ज काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यू थे। आई होप आपको भी देखने में मज़ा आएगा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा पहली बार था, और मेरे साथ जो अभिषेक था उसका भी फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम था तो इतना मज़ा आया। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा, मसूरी तो चलिए नॉर्मल आप जाते रहते, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया जगह है, तो आप लोग वहाँ पर भी करें कोशिश कि आप जा सकें। तो ये था आज ब्लॉग मेरा, आई होप अगर आपको देखने में ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये मिला मेरे को मेरे सब्सक्राइबर, हाँ बढ़िया बढ़िया, और वीडियो देख के मजा आता है, बहुत मजा आता है, देखे तो नहीं पर मजा आता है, करो हाथ जोड़ के मैं।